तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुमित भाई के घर पे। 1 घंटे में तो पूरा ये तैयार हुई है। कहीं भी निकलना होता है वैसे ही मेरा मूड ख़राब हो जाता है। कोई टाइम दिया हो, टाइम पे पहुंचना चाहिए, लेकिन लड़की के मेकअप के चक्कर में सब चौपट हो रहा है। कुछ बोलते हुए जाओ, पता है बहुत देर तक सज रही थी, मूड पूरा ख़राब हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे मूड अच्छा करो। ये है सुमित भाई का घर। सुमित भाई को आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल में देखा ही होगा, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। तो आज उन्होंने घर पे बुलाया है, सुरभि को भी नहीं देखा था उन्होंने, तो बोला कि आप सब लोग आज ये एक गेट टुगेदर करते हैं। मंदिर की तरह दरबार खुला हुआ है। हम देखिए ब्राह्मण आ गए हैं, दोनों ब्राह्मण जोड़ा। अरे हमें भी आशीर्वाद दीजिए। अच्छा छाया कह भी रही थी कि ऐसा ना हो कि भैया का कैमरा ऑन रहे। चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। अभी 2 घंटे ऊपर वाले को याद करके इतनी तसल्ली मिल रही है, इतना सुकून मिल रहा है कि मैं वो बता नहीं सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि आप कि जिसमें श्रद्धा हो, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जिसको भी आप मानते हो, उनको दिन भर में ज़रूर 1 घंटा या आधा घंटा जितना भी टाइम मिले उनको याद ज़रूर कीजिए। और ये प्रसाद है, ये बारिश में यही तो चालू करके आ रहे हो, प्रसाद घर पे लेना। ये मुझे, ये है मेरी मुंह दिखाई। पहली बार इनको मुंह दिखाई मिली हुई होगी, अभी तो मुझे ही मिलती थी। खुश हो गए ना लाइफ में पहली बार मुंह दिखाई पाके। ये यादगार वीडियो रहेगा, ये फोटो है हमेशा के लिए, ये सेव हो जाएगा मेरे डायरी में। और आज का दिन और आज की तारीख और ये पूरा मोमेंट हमेशा के लिए मैं कैद करके ले जा रहा हूँ। तो आज सुरभि जा रही है अपने घर। सुरभि की तो खुशी है, थोड़ा सा खुश मैं भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा दुख तो है। लेकिन अभी क्या करें, अभी 2 महीना यहाँ रह ली है तो इसको थोड़ा सा मायके की भी ज़रूरत है, थोड़ा मन बहल जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा दुखी है वो है सौरभ भैया, वो थोड़ा ज़्यादा दुखी है क्योंकि जिन्होंने एक ब्लॉग में कहा था आप हमारे घर का कचरा ले आए हैं, अब वापस वो कचरा ले करके जा रहे हैं। इनका मुंह लटका हुआ है। ये लोग मेरा टेंशन जो है बढ़ाने के लिए सब मेरे साथ चल रहे हैं वापस। भाभी भी आ रही, उसका भी टेंशन, मैं जा रही, उसका भी टेंशन, तभी तो सब टेंशन में ही दिख रहे थे। ये भगवान क्या हो गया, खाली खुश देखो कौन है यहाँ पे, मेरा पति। मैं कहाँ खुश हूँ, नमीश खुश है, 2 जन खुश है यहाँ पे। अच्छा तुम्हारी खुशी नहीं दिख रही है, बंद करो ये सब थोड़े ना। नहीं नहीं देखो 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 कैसे इमोशनल हो रही है अभी। तुम बंद कर रहे हो कि नहीं, चाची जब जाएगी तो उनके जगह मैं घूमूंगा। हाँ क्योंकि मैं कहीं भी घूमने जाता था तो नमीश मेरे साथ जाता था, अब क्या हुआ था जब भी जाता था तो सुरभि जाने लगी थी, तो ये बेचारा टेंशन में आ गया था। आज बोल रहा है कि अब मैं जाऊंगा घूमने। तो अभी घर से ऑर्डर आया है कि सुरभि के लिए फल और मिठाई लेना है, तो चल के लेते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूं अपने शूटिंग लोकेशन पे। बारिश बहुत तेज़ थी,
बहुत ही तेज, लेकिन बारिश ने कभी भी काम को रोक नहीं पाया। अभी हम लोग मेकअप करने जा रहे हैं ना, तो इसीलिए सब रिकॉर्डिंग चालू होगा। ओके, पुताई टाइम बस सब शुरू हो जाइए। अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं शूट पर से लौटा हूँ। आज सुरभि अपने मायके गई भैया भाभी के यहाँ पे, और अच्छा नहीं लग रहा है। अब 2.5 महीने से, मतलब 13 मई से कंटिन्यू साथ में थी, मेरे आवाज़ आदत सी पड़ गई थी, तो अभी 1 महीने के लिए वो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक से कुछ चेंजेस आते हैं ना आपके लाइफस्टाइल में, तो फिर वो आप खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो बड़ा बहुत ही बुरा लग रहा है। अभी आज अकेले ही सोना पड़ेगा, पता नहीं कब तक नींद आएगी, मुझे खुद नहीं पता। अभी घर पे भी आया हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा सूना सूना था, घर भी बहुत अजीब सा लग रहा है। सभी लोग जानते हैं कि शादी के बाद लाइफस्टाइल में बहुत ही बदलाव आते हैं, तो पता नहीं अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है, बट जो भी है अच्छा नहीं लग रहा है, अभी बुरा लग रहा है। अभी 2-3 दिन तक तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तो बस मैं और क्या बोलूँ आगे, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ। अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो फिर लाइक करके जाइए, मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, गुड नाइट।